हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आर्ट गैलरी। आज हम सीखेंगे सिंपल फोर टक्स ब्लाउज विद द इजी मेथड स्टेप बाय स्टेप। और मैं इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगी जिससे आपको आपकी कटिंग एंड स्टिचिंग का थोड़ी फास्ट होगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। चेस्ट है हमारा 38 इंचेस, कपड़ा है हमारा 1 मीटर ऑलमोस्ट। तो बैक पार्ट की कटिंग करेंगे हम। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को आपको डबल फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लेना है। लेंथ है मेरा 15 इंचेस, तो 15 इंचेस पे हम एक मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर यहाँ पे मैंने लिया है 6 इंचेस, क्योंकि हमारा गला ज़्यादा डीप नहीं है, तो हम यहाँ पे 6 इंचेस लेंगे। 6 इंचेस पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल हमें 6.5 इंच लेना है। 6.5 इंच पे एक मार्क करके उसे भी स्ट्रेट लाइन से आपको मिला देना है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 38 के अकॉर्डिंग हमारा 9.5 इंची होता है। 9.5 इंची में 2+ करेंगे तो 11 इंचेस होता है। 11 इंचेस पे मार्क करके आपको स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। नीचे भी आपको 11 इंचेस ही लेना है। अब आर्म होल का शेप देंगे। ये बैक पार्ट है तो हम आर्म होल का शेप 1.5 इंची पे देंगे। 1.5 इंची पे एक मार्किंग करनी है और इस तरीके से आपको राउंड शेप दे देना है। नीचे आपको 1.5 इंची तक कम ले जाना है डाउन करते हुए, इससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है, तो आपको भी इसी तरीके से कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम हमारा पहला टिप्स जानेंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ। तो पहला टिप्स हमारा ये है कि चेस्ट और वेस्ट सेम लिया है मैंने, और वो क्यों सेम लिया है ये हम जानेंगे। चेस्ट हम लेते हैं, चेस्ट प्लस 2 इंची, ठीक है। और उसी तरह हम वेस्ट भी लेते हैं, वेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंची प्लस 1 इंची और टक्स मार्जिन के लिए। तो हम जब 3 इंची उसमें प्लस करते हैं वेस्ट के मार्जिन में, तो वो ऑलमोस्ट हमारा चेस्ट के ही साइज़ का हो जाता है। सिर्फ 1/2 से 1/2 इंची का फ़र्क पड़ता है, तो इसके लिए इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। उतने से हमारे सिलाई में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपको भी सेम ही ले लेना है। अब हम हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए आपको कपड़े को इस तरीके से एडजस्ट करके पहले बैक पार्ट को ही रखना है इस तरीके से जैसे मैंने रखा है, और पूरी उसकी मार्किंग हमें निकाल लेनी है जैसे कि मैं कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट की मार्किंग निकालने के लिए अभी तक मैंने बैक पार्ट का नेक नहीं कट किया है, उसकी नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं जिस तरीके से मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही बहुत ही फास्ट होने वाली है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बैक पार्ट की मार्किंग करो, देन अगेन फ्रंट पार्ट की मार्किंग करो, तो उसमें हमारा बहुत ही टाइम वेस्ट होता है, तो आप इस तरीके से करिए। अब हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से हटा देंगे। नीचे से हम 1.5 इंची माइनस करेंगे, 1.5 इंची पे एक मार्किंग करेंगे, एंड दूसरे साइड पे हम 1.5 इंची पे सेम ऐसे ही मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसको सीधी लाइन से मिला देंगे। ये हमारा फुल साइज़ बस्ट है, तो हम 1.5 इंची माइनस करें, ठीक है। अगर आपका साइज़ छोटा है तो आप यहाँ पे 2 इंची माइनस करेंगे। ये हमारा फुल बस्ट है, इसलिए मैंने 1.5 इंची माइनस किया है उसमें, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा लगता है। आपको भी इस तरीके से कर लेना है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक लेंथ मैंने यहाँ पे 6 इंचेस लिया है। आपका जितना होगा आप उतना और डीप कर सकते हैं या इससे छोटा भी कर सकते हैं। नेक का विड्थ मैंने यहाँ पे 2.5 इंची लिया है, तो नीचे भी 2.5 इंची लेके आपको सीधी लाइन कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन के बाद अब हम शोल्डर को 1/2 इंची और डाउन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट 1 इंची का ही रहता है, इसलिए। अब हम गले का भी शेप दे देंगे। गले में हमें 1/2 इंची आगे बढ़ाना है, जैसे कि मैंने बढ़ाया है हुकाई पट्टी के लिए। बढ़ा के फिर आपको राउंड शेप दे देना है, और उसको भी स्ट्रेट लाइन खींच के नीचे इसकी लाइन से मिला देनी है। फिर यहाँ पे जैसे मैंने 1/2 इंची ऊपर लेके एक राउंड शेप दिया है, उसी तरीके से आपको भी बना देना है जिस तरीके से मैंने किया है। अब यहाँ फिटिंग के साइड भी हम 1/2 इंची एक्स्ट्रा ही कट करेंगे फिटिंग के लिए, और इसको फिर कट करके निकाल लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम
बेल्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब इसका लेंथ हमें लेना है 4 इंची, 4 इंची, 4 इंची पे हम एक मार्किंग करेंगे। विड्थ लेंगे हम 11 इंचेस, 11 इंची। अब यहाँ पे हम 3 इंचेस लेंगे, 3 इंची। फिर उसको एक कर्व शेप देते हुए मिला देंगे, जैसे कि मैंने मिलाया है। अब हम इसकी कटिंग करके निकाल लेंगे। ये हमारा बेल्ट पार्ट है। मैंने यहाँ जो साइड में थोड़ा कपड़ा बचा हुआ था, वहाँ से मैंने बेल्ट पार्ट की कटिंग की है। एक्स्ट्रा जो पीस बचा है अब हमारे पास, उसमें हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब बेल्ट में यहाँ पे आपको 1/2 इंची आगे से कट करके निकाल देना है। इससे हमारे बेल्ट की फिटिंग बहुत ही अच्छी बैठती है। तो इस तरीके से जैसे देख सकते हैं आप, मैंने किया। अब ये सेम मेजरमेंट आप सभी साइज़ के लिए फॉलो कर सकते हैं, 32-40 इंचेस तक में। बस आप विड्थ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। मैंने 11 रखा है, आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स में मुझे इतना ही कपड़ा बचा है। मेरा स्लीव का लेंथ विड्थ है 11 इंचेस पे मार्क करके जब मैं फोल्ड कर रही हूँ तो दूसरी साइड मुझे कपड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 4 फोल्ड में कपड़ा है। देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो जो नीचे कम कपड़ा पड़ रहा है उसमें हम जॉइंट करेंगे। शेप देखिए, जब हम कटिंग कर लेंगे तो ऊपर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसको हम वहाँ पे जॉइंट करेंगे। मैं इसको एक ही साइड से जॉइंट करने वाली हूँ, इसके लिए मैं इस तरीके से रख के मार्किंग करूँगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्लीव छोटा है 3-4 इंचेस का, तो आपको जॉइंट नहीं करना पड़ेगा, आपका स्लीव ईजिली कट के निकल जाएगा। बट मेरा स्लीव का लेंथ 7 इंचेस है, इसलिए मुझे जॉइंट आ रहा है। आप चाहे तो चारों साइड से जॉइंट कर सकते हैं। देखिए, दो कपड़े को बीच से फोल्ड करना है। मेरा 11 इंचेस देखे कहाँ पे आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है वहाँ पे हम 4 पीस का कपड़ा कट करेंगे उतना एक्स्ट्रा, और चारों साइड जॉइंट करेंगे। एक स्लीव में 2 साइड, एक स्लीव में 2 साइड, 4 पीस लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं वैसा नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ 2 पीस जॉइंट करूँगी। तो मैं इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग कर रही हूँ। आप भी चाहें तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। और ये हाइड हो जाता है और ये अंदर साइड रहेगा तो इतना पता नहीं चलता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब कपड़े को नीचे से देख लेना है, अगर वो क्रॉस दिख रहा है तो आपको सीधी लाइन से सीधा कर लेना है, देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ, और फिटिंग +2 पे मार्क कर देना है। यहाँ से मेरा 11 इंचेस मैंने ले लिया है, लेंथ है मेरा 7 इंची का। अब हम दूसरे साइड भी 7 इंची ही लेंगे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, इस साइड लिया, दूसरे साइड 7 इंची मार्क करना है। वहाँ से हमें 2.5 इंची डाउन आना है। ये मेरा 7 इंचेस का, इसलिए मैं 2.5 इंची आ रही हूँ, लेकिन आप 3-4 इंचेस में सिर्फ 2 इंची ही डाउन करेंगे। अब इसको हमें कर्व शेप दे देना है, जैसे कि मैं दे रही हूँ। अगर आप ऐसे डायरेक्ट शेप देने में कम्फर्टेबल नहीं है, तो इसका डिटेल वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इस वीडियो के बाद, आप उस वीडियो को जाके वॉच कीजिएगा। अब नीचे फिटिंग +2 पे मार्क करके हमें इस तरीके से क्रॉस में मिला देना है। देखिए जैसे कि मैं मिला रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से करके आपको भी मिला लेना है। अब जो ऊपर एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, हम उसका जॉइंट यहीं से निकालेंगे। कम कपड़े में हम इसी तरीके से एडजस्ट करते हैं। ये मेरा फुल बस्ट भी है एंड स्लीव्स का लेंथ भी बड़ा है, इसलिए मुझे जॉइंट आ रहा है। लेकिन अगर आपका स्लीव का लेंथ छोटा होगा तो ऐसा नहीं होगा। जब स्लीव का लेंथ भी बड़ा होता है एंड बस्ट भी फुल साइज़ का होता है, तो ऑलमोस्ट हमें 1.5 मीटर कपड़ा लगता है। लेकिन ये हमारा सिर्फ 1 मीटर का कपड़ा है, तो हम इसी तरीके से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं कुछ समझ में आया हो, कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कपड़ा हमें जॉइंट कैसे करना है। जो भी एक्स्ट्रा पीस आपके पास बचा हुआ है उसमें आपको चेक कर लेना है कि आपका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो कहाँ से मैनेज हो सकता है, ठीक है। मैं अभी एक पीस लगा के देखती हूँ, ये मेरा फिटेड बैठता है या नहीं। देखिए ये आई थिंक नहीं बैठेगा, ये मेरा नहीं साइज़ में आ रहा है, तो हम दूसरा पीस देखेंगे अभी, जो हमारा दूसरा एक्स्ट्रा पीस बचा हुआ है। अब हम उसमें से चेक करेंगे। देखिए आपको भी जब आप इसे रखेंगे तो 1/2 इंची आपको चढ़ा के ही रखना है कपड़े के ऊपर, अपने स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए, नहीं तो फिर कपड़ा छोटा हो जाएगा। ये देखिए परफेक्टली बैठेगा,
तो हम यहाँ से कटिंग करेंगे, कपड़े को बराबर एडजस्ट कर लेना एंड मेक श्योर कि आपका कपड़ा डबल होना चाहिए क्योंकि डबल चाहिए हमें कपड़ा, ठीक है। अब हम इसको देखिए इस तरीके से रखेंगे जैसे कि मैं रख रही हूँ, हाफ इंच आपको चढ़ा के ही रखना है नहीं तो हमारे स्टिचिंग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हाफ इंची कपड़े के ऊपर रखना है स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए एंड देन आपको जैसा भी शेप दिख रहा है एज इट इज़ वैसा ही शेप मार्क कर लेना है। देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ, इसमें मैं खड्डा अभी नहीं गिराऊंगी, जब हम प्रॉपर कटिंग कर ले इसका स्टिचिंग करके प्रॉपर कटिंग कर लेंगे तब इसमें हम खड्डा गिराएंगे एंड मे भी कपड़े में भी हमें कम पड़े तो हम आगे देखेंगे उसको। इसके लिए इसका जो आगे का हाफ इंची का खड्डा गिरता है वो हम स्टिच करने के बाद कटिंग करेंगे, तो उसके लिए चैनल से बने रहिएगा, ठीक है। अब इसकी कटिंग हम मेन फैब्रिक पे करेंगे। देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये मेरा ऑलमोस्ट 90 सेंटीमीटर का ही है। साड़ी के कपड़े में हमें कम ही कपड़े मिलते हैं तो अब इस पर कैसे आपको एडजस्ट करना है अब वो आपको देखना है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले लेस को निकाल के हमें रख देना है, देन कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरीके से इक्वली बिछा लेना है जैसे कि मैं कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। कपड़े को अच्छे से डबल फोल्ड करते हुए रख लेना। अब नीचे आपको हाफ इंची छोड़ते हुए बैक पार्ट को इस तरीके से रख लेना। अब ये हाफ इंची हमने क्यों छोड़ा है ये मैं आपको स्टिच करते वक्त बताऊँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, ठीक है। तो अब हम फ्रंट पार्ट को भी ऐसे रख लेंगे जैसे कि मैंने रखा है और इसकी कटिंग करके हम निकाल लेंगे। सबसे पहले बैक और फ्रंट पार्ट को ही निकालना चाहिए। अब इतना ही पीस हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। अब इसमें डबल फोल्ड करके हम बेल्ट की कटिंग करके निकाल लेंगे। देखिए अब इसमें हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स देखो पूरा तो नहीं निकलने वाला है, इसमें भी जॉइंट्स आएगा। कैसे मैंने रखा है देखिए, कपड़े को इस तरीके से रखना है और जो ऊपर का बचा हुआ पार्ट है उसको हम जॉइंट के लिए यूज़ करेंगे। तो अभी हमें इस कपड़े को इसी तरीके से रख देना है, जब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे तब हम इसकी प्रॉपर कटिंग करेंगे, ठीक है। अब हम अपने बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरा नेक लेंथ है 8 इंचेस, तो 8 इंची पे मैंने मार्किंग किया है। आप इसे डीप भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मुझे ज़्यादा गले का ब्रॉडनेस नहीं चाहिए तो मैंने सिर्फ 2 इंची ही लिया है, तो ऊपर भी आपको 2 ही इंची लेना है क्योंकि मेरे कस्टमर को ज़्यादा चौड़ा फैला हुआ नहीं चाहिए, मतलब इसके वजह से उनको थोड़ा पैक चाहिए, तो मैंने सिर्फ 2 इंची ही लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने फ्रंट पार्ट में 2.5 इंची पे मार्किंग किया है और यहाँ पे 2 इंची ही लिया है, तो ये आपको मेरे स्टिचिंग वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊँगी, तो चैनल पे बने रहिएगा इसे देखने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप ब्रॉड गला पहनना पसंद करते हैं, जैसे कि मैंने इसका ब्रॉडनेस 2 इंची रखा है, अगर आप 2.5 इंची या 3 इंची रखेंगे तो आप ऊपर 2.5 इंची ही लीजिएगा, तब आप 2 इंची नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं इसे फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को दोनों ही कपड़ों को मेन कपड़े पर चिपकाने वाली हूँ। ये इस स्टेज पर आप इसे चिपका भी सकते हैं और आप अगर कंफर्टेबल है तो मशीन से स्टिच भी कर सकते हैं इसके साइड्स को, लेकिन स्टिच करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और प्रॉपर हुआ नहीं हुआ तो वो भी एक अलग प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए मेरा सजेशन यही है कि आप इसे चिपका के लें तो उससे आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। बैक पार्ट को मैंने चिपका के साइड में रख दिया है सूखने के लिए, जब तक वो सूख रहा है तब तक हम फ्रंट पार्ट को चिपका लेंगे। देखिए जिस तरीके से मैं चिपका रही हूँ, आप भी ऐसे ही करें। चिपकाने से हमारा काम थोड़ा इजी हो जाता है, स्टिच करने में कपड़ा आगे पीछे हो जाता है तो वो अलग प्रॉब्लम होती है, फिर फिटिंग भी में भी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, चिपका लिया तो फटाफट 2 मिनट में हो जाता है सब कुछ, ठीक है। इस तरीके से चिपका लेना है। अब फ्रंट पार्ट को रख दो, जब तक ये सूख रहा है तब तक हम बैक पार्ट की एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल देंगे क्योंकि ये हमारा ड्राई हो चुका है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको कट करके निकाल देना है, लेकिन हाँ नीचे का जो हमने हाफ इंची बढ़ाया है वो नहीं कट करना है, ठीक है। और अब फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरीके से कट करके निकाल देना है।
बैक पार्ट का नीचे का मैंने क्यों नहीं कट किया है वो आपको स्टिचिंग के वीडियो में पता चलेगी नेक्स्ट पार्ट में। तो चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। अब हम फ्रंट पार्ट के टक्स की मार्किंग देखेंगे। देखिए, आगे से आपको 4 इंची पे एक मार्क करना है जैसे मैंने किया है। देन इसका लेंथ हम लेंगे 2.5 इंची का, देखिए जैसे कि मैंने लिया। अब इसका मिडल निकालेंगे, आगे साइड से मिडल निकाल के फिर इसका टक्स लेंथ हम 3 इंची का रखेंगे। अब आर्म होल के साइड हम एक सर्कल बनता हुआ देखेंगे, जहाँ से हमारा प्रॉपर सर्कल आ रहा है वहाँ से हम 3 इंचेस का टक्स ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 2.5 इंची आपको ऊपर लेना है और बीच से आपको 3 उंगली के गैप पे एक मार्क करना है एंड दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम सब लाइन खींच लेते हैं, इसका टक्स कितना लेना है ये हम स्टिचिंग करते टाइम देखेंगे। अब हम बैक पार्ट का भी टक्स का मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको सेंटर में से 4 इंची इस साइड मार्क करना है और 4 इंची दूसरे साइड मार्क करना है, देखिए जैसे कि मैंने किया है। ये हमारा बैक पार्ट का टक्स मार्किंग है। अब इसका लेंथ हम 5 इंची रखेंगे क्योंकि हमारा गला छोटा है, जब गला छोटा होता है तो टक्स का लेंथ हम बड़ा रखते हैं। देखो 1/2 इंची हम दोनों साइड ऐसे लाइन खींच लेंगे, ये हमारा टक्स 1 इंची का होता है। इसके लिए 1/2 इंची दोनों भी आपको कर देना है, ऊपर हमें एकदम ऐसे कोना निकालना होता है। अब फाइनली हमारे सारे पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है और हमने उसे मेन फैब्रिक पे चिपका भी लिया है। फ्रेंड्स, वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।